तो अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में। पहला इसका जो कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, वह है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। ये परिसीमन और सीमांकन क्या है? इसका अर्थ है चुनाव आयोग को तय करना होता है कि कितनी जनसंख्या से एक प्रतिनिधि चुना जाए लोकसभा का, कितनी जनसंख्या से लोकसभा का एक प्रतिनिधि चुना जाए, और जनसंख्या के अलावा उसका भौगोलिक क्षेत्र कितना बड़ा हो। ये चुनाव आयोग का सबसे पहला काम होता है सीमांकन करने का, इसे कहते हैं सीमांकन। संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम एक्ट 1952 बनाया था, और इस अधिनियम में प्रावधान किया था कि हर 10 वर्ष बाद जो जनगणना होगी उसके उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमा निर्धारण किया जाएगा। यानी हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमा निर्धारण का प्रावधान किया गया 1952 के कानून के तहत। और चूंकि जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, इसलिए 10 वर्ष बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशन में परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है, और परिसीमन आयोग राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखता है, उनके विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उस राज्य को इस प्रकार बांटता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग समान रहे। ध्यान रखें, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग समान रहे, ऐसा प्रयास परिसीमन आयोग करता है, और उस हद तक वह क्षेत्रों की सीमा को पुनर्निर्धारित करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, और इसके अतिरिक्त इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं, दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश और एक मुख्य चुनाव आयुक्त। इतने बड़े ओहदे के लोग परिसीमन आयोग के सदस्य बनते हैं, ये इस बात को बताता है कि परिसीमन का कार्य कितना महत्वपूर्ण है, और ये किसी भी चुनाव आयोग का पहला महत्वपूर्ण कार्य होगा किसी चुनाव को संपन्न कराने के लिए। इस परिसीमन आयोग की सहायता के लिए हर राज्य से 2 से 7 सदस्य और ले लिए जाते हैं, जो इन 3 सदस्यों को मदद करते हैं। तो ये तो हुआ परिसीमन आयोग का गठन और उसका पहला कार्य। पहला कार्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना, और सीमा निर्धारित करने के लिए आधार समान जनसंख्या वितरण, समान जनसंख्या का आंकड़ा 10 वर्ष की जनसंख्या जनगणना। अब दूसरा महती कार्य जो चुनाव आयोग करता है वह मतदाता सूची तैयार करना, मतदाताओं की सूची, अर्थात उन लोगों की सूची जो वयस्क हैं, जो उस क्षेत्र के निवासी हैं और वयस्क हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी और वयस्क हैं, और साथ ही साथ ये लोग पागल घोषित ना किए गए हों, 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा ना मिली हो, आदि आदि। लोकसभा के सभी जो चुनाव हैं उन चुनाव के पहले सूची तैयार होती है, और इस कार्य के लिए, जिस कार्य के होने के बाद ही चुनाव होते हैं, लोकसभा ये चुनाव आयोग के द्वारा जब तक मतदाता सूची तैयार नहीं होगी चुनाव कैसे होंगे। तो इसलिए मतदाता सूची बहुत महत्वपूर्ण और टाइम बाउंड कार्य है। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना हो जाए जिसकी योग्यता हो, जो योग्यता रखता हो, ये उसका आधार है, वंचित ना हो जाए। यानी चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि हर एलिजिबल व्यक्ति
उस सूची में रहे, उसका नाम उस सूची में रहे। और इसके लिए चुनाव आयोग इन सभी वयस्क नागरिकों को सूची में डालने का प्रयास करता है जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के हो गए हैं और उस क्षेत्र के निवासी हों, मतदाता बनने की योग्यता रखते हों। बहुत बार ऐसा होता है कि ये सूची बनती है कर्मचारियों की मदद से, घर घर जाकर लोगों से विस्तार से डेटा लिया जाता है। ये बहुत कठिन, बहुत लंबा काम है, बड़े धैर्य से किए जाने वाला काम है, क्योंकि इसमें शहर के 10-20 लाख की जनसंख्या के आंकड़े जिम्मेदारी से इकट्ठे किए जाना, उसको टैब्यूलेट करना, उसको एनालाइज करना, उसका विवेचन करना और उसके बाद उसमें वयस्कों की सूची बनाना और सूची में उनका सही पता, कॉन्टैक्ट डिटेल सब रहे, सही फोटो रहे, ये एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा करते हुए ये पूरी संभावना है कि जब ऐसा करने के बाद जब पहली बार मतदाता सूची प्रकाशित होती है तो उसमें हजारों खामियां पाई जाएंगी, बहुत सी गलतियां दिखें जो जाने अनजाने में हो गई हैं। ऐसी स्थिति में वो कमियों के मद्देनज़र मतदाता सूची में फिर संशोधन होता है, गलतियों को सुधारा जाता है, उन मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका स्थानांतरण हो गया है आदि आदि, और नया मतदाता सूची बनाई जाती है। उसके बाद तीसरा काम क्या करता है चुनाव आयोग? तो मतदाता सूची बनाना, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, उसके बाद तीसरा काम है दलों को मान्यता देना, परिसीमन और या सीमांकन और मतदाता सूची, ये किस तरह से तैयार हुई ये हमने समझा। एक नज़र हम लोकसभा क्षेत्रों पर भी डालें। भारत में 543 लोकसभा क्षेत्र हैं लोकसभा के, और विधानसभा के क्षेत्र उतने हैं जितने की विधानसभा सीटें हैं देश के 30 राज्यों में जोड़कर, हर राज्य की अपनी संख्या अलग अलग है। यदि हम 543 सीटों के क्षेत्र को देखें तो आप पाएंगे कि कुछ जगह वे क्षेत्र बड़े हैं, कुछ जगह छोटे हैं, लेकिन जनसंख्या उस राज्य की जनसंख्या में बराबर बांट दी गई है, उस निर्वाचन क्षेत्रों में उस राज्य की जनसंख्या को एक तरीके से बांट दिया गया है समान रूप से। इसीलिए भौगोलिक दृष्टि से कुछ क्षेत्र बड़े और छोटे दिखाई देते हैं, और ये भी संभव है कि कुछ क्षेत्र में जनसंख्या किसी राज्य में प्रति निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या थोड़ी कम हो, किसी राज्य में प्रति निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या ज़्यादा हो। भौगोलिक दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रों के बाद थोड़ा मतदाता सूचियों पर नज़र डालें कि मतदाता सूची कैसी दिखाई देती है। मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं, मतदाता क्रमांक होता है, उसका पता होता है, उसकी फ़ोटो होती है और दो खाली स्थान होते हैं जहाँ पर वह अपने हस्ताक्षर करता है या अंगूठा लगाता है मत देने के बाद। और ये मतदाता सूची बहुत ही गहरे अध्ययन के बाद तैयार की जाती है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो ये हुआ मतदाता सूची का रूप। तीसरा जो उसका काम है वह है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। मान्यता के क्या मायने हैं? देश में बहुत राजनीतिक दल हैं, हर राजनीतिक दल का अपना अपना आकार है सदस्यता की दृष्टि से, और लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या की दृष्टि से, विधानसभाओं में उसके सदस्यों की संख्या की दृष्टि से। कई दल देश के कई राज्यों में उनका प्रभाव है, तो कुछ दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय हैं,
कुछ दल ऐसे हैं जो मात्र 3-4 राज्यों तक ही सीमित हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो पैन इंडियन है। राष्ट्रीय दलों में यदि हम बात करें तो पहला राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में मुख्य राष्ट्रीय दलों के रूप में। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो इसमें शिवसेना, अन्ना द्रमुक, एडीएमके, डीएमके आदि हैं। एक नज़र इन दलों की सूची पर और इनके प्रभाव क्षेत्रों पर, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में कितने दल हैं, उसमें से कौन कितने राष्ट्रीय हैं, कितने क्षेत्रीय हैं, रीजनल पार्टीज़ कितनी हैं और नेशनल पार्टीज़ कितनी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो अमान्य हैं, अमान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें मान्यता नहीं मिली है लेकिन पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में। तो इस प्रकार 3 तरह के दलों की श्रेणियां हैं। ये दलों की श्रेणियों का निर्धारण करने का काम भी चुनाव आयोग का है, किसे राष्ट्रीय दल घोषित करे, किसे क्षेत्रीय दल, किसे अमान्य पंजीकृत दल। और इन 3 श्रेणियों के अपनी अपनी महत्ता है, इनके अपने अपने महत्व हैं। इसके लिए मापदंड तैयार करने चुनाव आयोग का काम है कि किसे वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे और किसे क्षेत्रीय दल के लिए। एक मापदंड की यदि बात करें तो एक मापदंड जो इसने तैयार किया है वह है कि कोई भी राष्ट्रीय दल या कोई भी दल राष्ट्रीय दल तब माना जाएगा जब वह गत आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 4% मत पाले। क्या? कम से कम 4 राज्यों में 4% मत पाने पर वह राष्ट्रीय दल घोषित होगा। ये न्यूनतम स्तर है एक राष्ट्रीय दल बनने का। चुनाव आयोग मान्यता के आधार पर निश्चित करता है और इन्हीं आधारों पर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को श्रेणियां प्रदान करता है। ये जो मान्यताएं हैं इसको भी चुनाव आयोग समय समय पर बदलता रहता है, बदलती स्थितियों के साथ, बदलती हुई मान्यताएं, बदलते हुए आधार। किसी को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल परिभाषित करने के आधार में बदलाव लाने का अधिकार भी चुनाव आयोग को है और वह इसका समुचित उपयोग करते हुए इस अधिकार का विभिन्न दलों की श्रृंखला तैयार करता है। चौथा, मतदाताओं हेतु परिचय पत्र की व्यवस्था। जितना महत्वपूर्ण काम मतदाता सूची बनाने का है उतना ही महत्वपूर्ण काम परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। मतदान वही कर सकता है जो वो योग्यताएं तो रखता है जो मतदाताओं की होनी चाहिए, जो मैंने पहले बताई हैं। उसके अलावा आवश्यक है कि उसके पास उसका मतदाता प्रमाण, मतदाता पत्र हो, इलेक्शन संबंधी आई कार्ड हो जिसमें फोटो रहती है, और उसे मतदान का परिचय पत्र कहते हैं जो राज्य निर्वाचन आयुक्त जारी करता है। हर मतदाता के लिए आवश्यक है कि वह आई कार्ड लेकर, फोटो आई कार्ड लेकर मतदान केंद्र पर जाए, उस मतदान केंद्र पर जहां पर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है जिस क्षेत्र के लिए। सवाल ये उठता है कि मतदाता को कैसे मालूम कि उसे किस मतदान केंद्र में जाना है। मैंने जैसा बताया एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के करीब 500-600 मतदान केंद्र होते हैं, तो किस केंद्र में जाना है वह कैसे जाने, इसे जानने के कई तरीके हैं। एक तो मतदाता सूची का प्रकाशन, तो उसको ध्यान रखना होगा कि प्रकाशित सूची में वो अपना डिटेल देख ले और यदि गलत हो तो उसमें सुधार करवा ले, संशोधन करवा ले। दूसरा तरीका होता है विभिन्न राजनीतिक दल स्वयं ही मतदाताओं के पास जाकर उन्हें मतदाता सूची में दिए गए उनके मतदान केंद्र की जानकारी देते हैं, इस उम्मीद में कि ऐसा करने से
मतदाता उनके दल के पक्ष में प्रभावित होकर मतदान करेगा। वैसे ये कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, पर एक तरह की ये सर्विस विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा गत कुछ वर्षों से मतदाताओं की सुविधा के लिए दी जा रही है, और यही सबसे सरल तरीका है अपने मतदान केंद्र की जानकारी जानने का। अब पांचवा, राजनीतिक दलों व स्वतंत्र उम्मीदवारों को चिन्ह देना। राजनीतिक दलों व स्वतंत्र उम्मीदवारों को चिन्ह देना। चिन्ह के मतलब क्या है, स्वतंत्र उम्मीदवार के मायने क्या है? हर उम्मीदवार का एक चुनाव चिन्ह होता है। जनता के सामने वह उस चुनाव चिन्ह के आधार पर पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि जब मतदाता मत देने जाता है तो जो ईवीएम मशीन जो आप देख रहे हैं, इस मशीन में उम्मीदवार का नाम या उसकी फोटो नहीं रहती जिसके बटन को मतदाता दबाकर अपना मत दे। फोटो या उम्मीदवार का नाम नहीं रहता, बल्कि वास्तव में असली में जो उसकी पहचान है वह है उसका चुनाव चिन्ह, जो उसे उसके दल के द्वारा मिला होता है, और दल को चुनाव चिन्ह देने का काम चुनाव आयोग करता है। हर दल का एक चुनाव चिन्ह है। जैसे वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है, एनडीए, जिसका मुख्य घटक है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो विरोधी दलों का मुख्य घटक है, और पूर्व में जो 70 वर्षों तक जिसने देश में शासन किया है, वर्तमान में उसका चुनाव चिन्ह देखिए पंजा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो रायपुर का उम्मीदवार है, वह उम्मीदवार कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है। इस प्रकार दलों से जुड़े हुए उम्मीदवार अपने दल के चुनाव चिन्ह का उतना ही प्रचार करते हैं जितना वे अपना स्वयं का, और ये चुनाव चिन्ह देने का काम चुनाव आयोग करता है। एक बार ये चुनाव चिन्ह किसी दल को दे दिया जाता है तो वह उस दल का चुनाव चिन्ह तब तक रहता है जब तक कि वह दल अस्तित्व में है और किसी अन्य तरह की आपत्तियां उस चुनाव चिन्ह को लेकर ना हो। एक तरीके से वह स्थायी चुनाव चिन्ह। लेकिन ये तो हो गया चुनाव चिन्ह की बात। अब दूसरी बात है स्वतंत्र उम्मीदवार। यदि मैं रायपुर क्षेत्र की बात करूं तो कल्पना करिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी खड़ा किया जिसका चुनाव चिन्ह कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रत्याशी चुनाव किया जिसका चिन्ह पंजा, सीपीआई ने एक प्रत्याशी खड़ा किया जिसका चुनाव चिन्ह अपना हसिया, ऐसे ही शिवसेना ने खड़ा किया, आप पार्टी ने खड़ा किया, और भी जो छत्तीसगढ़ जनसत्ता पार्टी ने किया, जनशक्ति पार्टी ने किया, और भी जितनी पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए और उन सबके चुनाव चिन्ह हैं। ये पार्टियां कुछ राष्ट्रीय दल हैं और कुछ क्षेत्रीय दल हैं। अब जब ये चुनाव उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाते हैं तो जनता के बीच से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि हमें भी कोई दल चुनाव का प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उनका नाम किसी दल ने नहीं लिया, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया, किसी और को बनाया। उदाहरण के लिए, यदि मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया और मैं प्रत्याशी बनने की अपेक्षा करता था क्योंकि मैं एक्स पार्टी से लगातार जुड़ा था और उम्मीद कर रहा था कि एक्स पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बनाया, तो
तो क्या इसके मायने ये रहे कि अब मैं प्रत्याशी नहीं बन सकता? मैं बन सकता हूँ, मैं दूसरे दल से बन सकता हूँ प्रत्याशी, बशर्ते दूसरा दल मुझे अपना प्रत्याशी बनाना चाहे तो। और यदि ऐसा भी नहीं होता है तो मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़ा हो सकता हूँ, स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़ा हो सकता हूँ, अर्थात बिना किसी दल में जुड़े, अर्थात निर्दलीय। अंग्रेजी में उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। इन्हें कहते हैं स्वतंत्र प्रत्याशी, इन्हें कहते हैं निर्दलीय प्रत्याशी, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। फिलहाल हम ये जान लें कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आरक्षित करता है, उन्हें देता है, और इसके अलावा चुनाव आयोग स्वतंत्र या निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुनाव चिन्ह देता है। निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, और ऐसा करते समय चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि उस प्रत्याशी को दिया गया चुनाव चिन्ह देश में किसी और प्रत्याशी को ना दिया गया हो, किसी और दल को ना दिया गया हो, किसी और को ना दिया गया हो। इसीलिए कई बार बड़े अजीब अजीब चुनाव चिन्ह लोगों को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप दल, आम आदमी पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, किसी का चुनाव चिन्ह हाथी है, किसी का चुनाव चिन्ह लालटेन है, और उनके चुनाव चिन्ह, इस चुनाव चिन्ह का कोई आधार नहीं है। हाँ, कई बार दलों द्वारा ये अनुरोध किया जाता है, जब दल नए नए बनते हैं तो, कि हमें ये चुनाव चिन्ह दे दिया जाए, और यदि संभव हुआ तो चुनाव आयोग उनकी इस बात को मानते हुए उन्हें उनके द्वारा वांछित चुनाव चिन्ह दे देगा, अन्यथा चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया चिन्ह उस दल के लिए बाध्य होगा। तो स्वतंत्र कैंडिडेट भी, निर्दलीय भी चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। यदि चुनाव चिन्ह के प्रश्न पर दो राजनीतिक दलों के बीच में विवाद हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग निर्णय करेगा कि यह चुनाव चिन्ह किस दल का है, और यदि चुनाव आयोग के निर्णय से कोई दल सहमत ना हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता रखता है, पात्रता रखता है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय जाकर वहाँ अपील कर सकता है, क्योंकि चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम और आप उम्मीदवारों को न जाने, लेकिन कमल चिन्ह को जानकर समझ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह है। उम्मीदवारों को न जाने, लेकिन पंजा को देखकर हम समझ जाते हैं ये कांग्रेस से जुड़ा मामला है। चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, वे पहचान है उस दल की। तो पहचान को लेकर यदि कभी दलों में किसी तरह के टकराव हो तो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है। छठवां कार्य जो चुनाव आयोग का है वह है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। आचार संहिता के मायने होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। चुनाव के दौरान पहले दिन से लेकर आखिरी दिन, अर्थात लगभग 3 से 4 माह का जो काल है, चुनावी काल, उस काल में कर्मचारियों के द्वारा और दलों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाएगा, इसको लेकर एक सूचना जारी होती है। आचार संहिता इसे कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, और इसका पालन करना हर दल के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए इस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या रहता है? दलों के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी भाषणों में जो लोगों को उत्तेजित करती हो, धार्मिक मामलों पर बातें नहीं की जाएंगी, रात के 9 बजे के बाद या जो भी समय निर्धारित हो उसके बाद किसी तरह का प्रचार नहीं किया जाएगा, किसी क्षेत्र में भाषण देने के पूर्व स्थानीय कलेक्टर से उसकी पूर्वानुमति, लिखित पूर्वानुमति जरूरी है, आदि 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 आदि। किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया जाएगा उम्मीदवार, और ऐसा होने पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाए। ऐसी बहुत सारी आचार संहिता जिसमें कैसा व्यवहार रहेगा उम्मीदवारों का, दलों का कैसे व्यवहार की अपेक्षा है, यह उसमें दिया रहता, और इसका पालन करवाने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। यदि इसके पालन की बात करें तो एक नाम याद आता है, TN शेषन का।
जो आज से 25 वर्ष पूर्व सन 92-93 के चुनाव में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाते उन्होंने वही आचार संहिता को लागू किया जो पूर्व में लागू थी, लेकिन जिसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा था। और चुनाव बड़ा खर्चीला, भ्रष्टाचार से पूर्ण और क्या नहीं था, लेकिन टीएन शेषन ने उसी आचार संहिता को सख्ती से लागू कराकर सुनिश्चित किया कि चुनाव निष्पक्ष हों, चुनाव ईमानदारी से हों, कर्मचारियों की भूमिका अबव बोर्ड हो, शंका से परे हो, आदि आदि। ये सख्ती का ही परिणाम था कि उसके बाद जो चुनाव हैं वे काफ़ी कुछ साफ सुथरे रहे। और भी बहुत सी बातें उस चुनाव को लेकर हुई, टीएन शेषन को लेकर हुई, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि चुनाव आयोग की बात करें तो श्री टीएन शेषन हमारे चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क रहे हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। अगली बात, चुनाव करवाना। चुनाव आयोग ये सब तो कर लिया जिसकी बात मैंने की, परिसीमन, मतदाता सूची, परिचय पत्र, मान्यता, चुनाव चिन्ह, आचार संहिता आदि आदि। अब असली बात तो है चुनाव करवाना, इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, राज्य के मंडल, इनका चुनाव चुनाव आयोग करता है। सभी सामान्य निर्वाचनों के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग समय समय पर होने वाले खाली स्थानों का भी चुनाव करता है। लोकसभा के खाली स्थान, राज्यसभा के खाली स्थान, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निधन या इस्तीफे की स्थिति में या महाभियोग की स्थिति में, तो ये उपचुनाव कहलाते हैं। इन उपचुनावों की व्यवस्था भी चुनाव आयोग करता है। यदि चुनाव आयोग देखे कि चुनाव निष्पक्षतापूर्ण नहीं हो रहे हैं या प्रत्याशियों पर या मतदाताओं पर या अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव है या किसी तरह की पारदर्शिता की कमी है, तो वह चुनाव को स्थगित भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो मतदान केंद्र होते हैं उस मतदान केंद्रों में कई कुछ दलों के प्रत्याशी जाकर मतदाताओं को डराने धमकाने का काम करते हैं। कई बार ऐसा भी अनुभव हुआ कि मत पेटियों को ही उठा के ले गए कुछ लुटेरे आकर, और इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो गई। कई बार कुछ और बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग उस मतदान केंद्र की या उस पूरे निर्वाचन केंद्र की मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर सकता है, चुनाव को ही स्थगित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उसे चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रिया के निरीक्षण का अधिकार है और नियंत्रण का अधिकार है। ये चुनाव आयोग का सबसे महती काम। अगला कार्य जो है चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में, आकाशवाणी और दूरदर्शन से चुनाव की सुविधा, चुनाव प्रचार की सुविधा दिलवाना। आप सब समझते हैं सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का, पर वो तो गैर सरकारी जरिए हैं। सरकारी तंत्र में भी चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है कि सभी दलों को समान रूप से जनता तक पहुंचने का अधिकार हम दिलवाएं, यानी चुनाव आयोग दिलवाए, उनके विचारों से जनता को परिचित कराए। उसके लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को की मदद से वह टाइम स्लॉट तय करता है और विभिन्न दलों को समय देता है। सबको समान समय और सबको समान एक्सेस, पहुँच आकाशवाणी और दूरदर्शन की देने को सुनिश्चित कराने का काम भी चुनाव आयोग का है।